हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये जो डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर इन अबव फिगर्स बोथ R I S K एंड C L U E आर पैरेललोग्राम्स, यानी यहाँ पे इस एक डायग्राम के अंदर टू पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं। एक तो ये वाली लाइन से देखा जाएगा और एक इस तरफ से देखा जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें इसके अंदर जो एक्स दिया गया इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो पैरेललोग्राम आर आई एस के दिया गया है, इसके अंदर जो एंगल के और एंगल जो एस है, ये आपस में एडजेसेंट एंगल है, और एंगल के और एंगल जो आई है, ये वर्ट जो अपोजिट एंगल है, और आर और एस है, ये आपस में अपोजिट एंगल है, और के और आर जो है वो एडजेसेंट एंगल है। तो हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगल जो एस है इस तरफ का, ये फाइंड करना है, और जो एंगल ई है ये वाला, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो एंगल एस है ये फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम जैसे कि एंगल के एंड प्लस जो एंगल एस है इसको बोला जाएगा के एस आई, एंगल के एस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जो एंगल के और एंगल जो एस है दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, और ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होगी। एडजेसेंट एंगल, अब हमें जो के दे रखा है इसकी वैल्यू है 120, तो के की जगह 120 राइट किया जाएगा, और एंगल के एस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 डिग्री इधर प्लस का है, इक्वल के बाद में राइट करने पर हो जाएगा माइनस का, एंगल के एस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बाकी सेम लिखा जाएगा। 120 इधर प्लस का था, इक्वल के बाद में हो जाएगा माइनस का, तो एंगल के एस आई इज इक्वल टू 180 में अगर 120 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 60 डिग्री। यानी जो ये एस है ये हो गया अपने पास में 60 डिग्री। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है एंगल ई, जिसको हम यू ई और सी से डिनोट करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको एंगल यू ई सी। ये जो एंगल एल है इसके क्या है, अपोजिट है। अपोजिट जो एंगल है पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं, तो इसको इक्वल में लिखा जाएगा एंगल एल को। और ये है अपोजिट एंगल, फिर इसके बाद में जैसे कि एंगल यू ई सी इज इक्वल टू एंगल एल की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, तो यहाँ 70 डिग्री राइट किया जाएगा। यानी जो ये एंगल है ई, ये हो जाएगा 70 डिग्री। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल की जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए एंगल तीनों दे रखे हैं, एंगल एस, एंगल एक्स और एंगल ई, तो तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू होगी 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। इन ट्रायंगल ई एस एक्स, इनको प्लस करेंगे, एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ एंगल की जो एंगल ई है इसकी वैल्यू में दे रखी है 70 डिग्री, तो यहाँ 70 डिग्री ऐड किया जाएगा। एंगल एस है इसकी वैल्यू में दे रखी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ऐड किया जाएगा। और एंगल एक्स हमें दिया हुआ नहीं है तो ऐसे के ऐसे ऐड किया जाएगा। अब 60 और 70 को ऐड करेंगे तो 130 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 130 डिग्री इधर प्लस का इक्वल के बाद में जाएगा माइनस का, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और 130 इधर प्लस का इक्वल के बाद में माइनस का लिखा जाएगा। एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 में अगर 130 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 50 डिग्री, यानी जो एक्स है उसकी वैल्यू है 50 डिग्री।